कोलकाता से लेके मुंबई से लेके हाँ नासिक तक के जितना बड़ा सेक्रेटेड है वो फूटेगा, उनको डर है कि इनका जब तक भांडा ना फूट जाए। आज उनकी इतनी बड़ी चकली तोड़ जाएंगी, उनको ये डर है सबसे लड़की की जान को कुछ करना चाहते। ये सब भाई ये लड़की और ये लड़की के साथ और कितने लड़कियां थी, आपका और इस लड़की का कैसा रिलेशन किया है, कैसे हुई? हाँ, ये लड़की अभी कम से कम 3 महीने हो गए ये लड़की आने, तो ये लड़की 3 महीने आने हो गए, तो ये लड़की का मेरा रिलेशन ये है, मैं बांग्लादेश में जाता था तो वहाँ पे इसका मेरा पहचान हुआ था, वहाँ पे इसका मेरा पहचान हुआ था। पहचान होने के बाद इसने मेरे अचानक नासिक में आ गया, मेरे को फ़ोन कर दी कि मैं भुसावल से बोल रही हूँ, मैं नासिक में आ रही हूँ, तो मैंने उसको बात सुनाया था। फिर उसने मेरे को जमाजेदा का नाम बोली, मैं समझ गया इसको फंसाने की तैयारी है, तो मैंने फिर भी उसको सेफ्ट जगह रख दिया उनके हाथ में से लेके। आज वो फिर उसको उठा के लेके गए बम्बई बेचे, इधर उधर बेचे, आज उसके साथ दूसरे कम से कम 15-16 साल के जो भी 14-15 साल के भी 15-20 लड़के आज वो भी मुसीबत में, तो हमको भी बचाना जरूरी है। बस मेरा ये रिक्वेस्ट है अभी नानी गंगौने ने बना के दी ली, क्योंकि उनको सत्रकाशी पुलिस ने पकड़ी थी, सत्रकाशी पुलिस ने कैसे बांग्लादेश और कोलकाता की भाषा थोड़ी मैच नहीं करती, तो ये 3 लड़की लोग और 2 दलाल पकड़ी थी, तो नानी गंगौने ने क्या करी थी, उधर से 1,80,000 में डील हुई थी छोड़ने की, मगर 50,000 में फाइनल हो गई थी। वो दिन संडे था तो पैसे दे नहीं पाई, तो उसने इधर से किसके हवाले से पैसे दिए, उधर सत्रकाशी पुलिस को, उधर से फिर नानी के लोगों को छोड़ दिया और आसनसोल चले गए, जिधर ये वैसे व्यक्ति का धंधा ले ली, जो कि 2,000-5,000 में तुम्हारा आधार कार्ड भी बना देंगे, पासपोर्ट भी बना देंगे, इनके पास खुद एजेंट नकली आई कार्ड और नकली बांग्लादेशी लोगों का बनाने में 1 नंबर वेस्टपोर्ट है। तुमने आने के बाद कॉल किया था सिन्नर पुलिस? हाँ, सिन्नर पुलिस को मैंने कॉल किया था, सिन्नर पुलिस बोलती है आप एक काम करो हमारे पास आओ आपकी मदद की जाएगी, मगर सिन्नर पुलिस का कहना है, मैंने शर्मा को फ़ोन करने दिया, तो सिन्नर पुलिस का शर्मा को बोलना है कि तुम इधर आओ, तुम नानी के पास रहना चाहेंगे तो नानी के पास दे देंगे, तुम जहाँ रहना चाहेंगे कर देंगे। सिन्नर पुलिस